थर्ड क्वेश्चन थर्ड पढ़ लिया आप लोगों ने, 1.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल्दी से पढ़ लो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? पढ़ लिया होगा, अब मैं पढ़ देता हूँ, सुनना ध्यान से ना क्या बोल रहा है बेटा। इसमें बोल रहा है आपसे, इसमें बोल रहा है पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर डी। सर्कमफेरेंस को अगर सी बोला जाए, डायमीटर को डी बोला जाए, तो जो आपके पास पाई है, पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब उसने क्या बोला है कि पाई इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर, ये बात कह रहा है, ठीक है? कि पाई है वो किस किस का रेशियो है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का। फिर आगे बोल रहा है इसमें, आगे देखो, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाय डी, और पाई को हम क्या लिखते हैं, सी बाय डी लिखते हैं। बेटा यहां से पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, पाई इज इक्वल्स टू सी बाय डी। सी क्या है, सर्कमफेरेंस, और डी क्या है, डायमीटर। यहां तक बात समझ में आ गई सबको, क्वेश्चन में लिखा है बात। आगे बोलो, आगे देखो इसमें, दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। आपको इस कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में बताना है, कैसे समझोगे इसको। कंट्रडिक्शन क्या है, वो ये है, एक तरह से पाई आपके पास में सी बाई डी के फॉर्म में है। सी मतलब सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस मतलब बाउंड्री की लेंथ, यही तो होती है, तो बाउंड्री की लेंथ तो कोई ना कोई नंबर होगी। फिर डायमीटर, वो भी कोई ना कोई नंबर होगा, इसका मतलब पी बाई क्यू फॉर्म हो गया, और p by q फॉर्म हो गया, इसके हिसाब से तो ये कह रहा है कि पाई क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। बताओ बेटा इतनी बात समझ में आई? अगर आप पाई को c upon d फॉर्म में लिखते हो, तो इसका मतलब ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो होगा ना, बाकी ये रेशनल है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बुक वाली चीज को बदल रहा हूँ कि आज से आप इसको रेशनल मानने लग जाओ, ऐसा नहीं कह रहा। आप क्वेश्चन समझो बस, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसके हिसाब से पाई रेशनल होगा, लेकिन हम पाई को क्या मानते हैं, इरेशनल। पाई को क्या मानते हैं, इरेशनल नंबर। तो समझने की बात यहां है कि पाई इरेशनल होता है एक्चुअली, और वैसे वो रेशियो होता है सी बाई डी का, तो रेशियो के हिसाब से रेशनल होना चाहिए, तो वैसे ही रेशनल है। तो ये है कॉन्ट्राडिक्शन की, पाई को या दोनों, मतलब ये मानना चाहिए लेकिन मानते ही, ऐसा क्यों, देखो ध्यान से ऐसा क्यों है। पाई का मतलब क्या है, ये हमारे पास कोई सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल, और ये इसमें क्या है, सेंटर, ये क्या है, डायमीटर। डी मीन्स यही तो है, आगे इतनी बात समझ में। तो बेटा इसमें क्या होता है कि जैसे जो एग्जैक्ट लेंथ होती है ना, एग्जैक्ट लेंथ होती है, उनका रेशियो तो एक प्रॉपर वैल्यू आ जाती है। ये जो बाउंड्री वाली लेंथ है, ये बाउंड्री वाली लेंथ है बेटा, कर्व वाली लेंथ जब आप मेजर करते हो ना, ये वाली, इस लेंथ को आप एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हो, बजाय इसके आपको कहा जाए यहां से यहां तक मेजर करो कितनी लेंथ है, और एक आपको कर्व बना के लाइन दी जाए उसकी लेंथ कवर करवाए, दोनों लेंथ में थोड़ा बहुत इसको आप मेजर तो करोगे लेकिन एग्जैक्ट नहीं हो पाएगी, समझ रहे हो मेरी बात को, एग्जैक्ट लेंथ मेजर नहीं हो पाएगी। ये वैल्यू जो इसका सर्कमफेरेंस आप लेते हो, ये सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं आती है, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आती है।
अगर इसकी वैल्यू एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगी, एक्चुअल नहीं आएगी, हम इस केस में इसको एग्जैक्ट आंसर नहीं मानेंगे भाई का। वो केवल रेशियो है, और रेशियो में जो आप सर्कमफेरेंस लिखते हो, सर्कमफेरेंस एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। सर्कमफेरेंस जो आप लिखते हो, सर्कल की बाउंड्री लेंथ की लेंथ, ठीक है, बाउंड्री लाइन की जो लेंथ लिखते हो सर्कल की, वो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट होती है। इसलिए हम पाई को क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होने के कारण क्या बोलते हैं, ई रेशियो। सी बाई डी तो होगा, लेकिन जो सी की वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं होती, वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट होती है। इस वजह से क्या बन जाता है, ई रेशियो। एग्जैक्ट होता तो ई रेशियो हो जाता। आगे बात समझ में, यही है कॉन्ट्रडिक्शन। अब आगे बढ़ो, नोट कर लेना आप थोड़ा बहुत, दोबारा पढ़ लेना, तीन बार पढ़ लेना, चार बार, जितना मन करे। नोट कर लिया हो तो देख लो, फिर बता देता हूं, बता दू। बात ये है बेटा, देखो ध्यान से, लिख लिया सबने, लिख लिया धीरे आ जाओ, नहीं लिखा बेटा तुमने, लिख लिया। पाई क्या होता है, पाई होता है सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, सबको आ गई। तो अगर कोई नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में है, इसका मतलब वो रेशनल होता है, यही तो बात हुई। अरे बोलो, नहीं नहीं बोलना, फिर मतलब कर देता हूं। पाई इक्वल्स टू क्या होता है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो। और अगर कोई नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, इसका मतलब वो नंबर कैसा है, रेशनल है, ठीक है। उस हिसाब से आपके पास पी बाई क्यू फॉर्म में जो रिजल्ट आया है, तो आप उस नंबर को रेशनल बोलने चाहिए। आप क्या बोलो उसको, रेशनल बोलो, क्योंकि वो पी बाई क्यू फॉर्म में है। लेकिन हम उस नंबर को बोलते क्या है, इरेशनल। ऐसा क्यों, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब थोड़ी सी समझ लो, इतनी आ गई तो बाकी हो गया। हम उसको इरेशनल क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं बेटा, इरेशनल नंबर में जो पी बाई क्यू होता है, वो पी और क्यू दोनों एग्जैक्ट वैल्यू होती है। पी और क्यू दोनों एग्जैक्ट वैल्यू होती है, या रियल नंबर होते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको, रेशनल नंबर में P और Q दोनों एग्जैक्ट वैल्यू होती है, 1.5, 1.2 जो भी हो, लेकिन एग्जैक्ट लेंथ होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है। और यहाँ इस केस में जो C वाला पॉइंट है, सर्कमफेरेंस वाला, इस सर्कमफेरेंस की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है, बस इतना सा फर्क है। बस वो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होने के कारण ही यहाँ पे इसको रेशनल नंबर नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाएगा फिर, इरेशनल, ठीक है। अप्रोक्स वैल्यू आती है सर्कमफेरेंस,
एप्रोक्सिमेटली क्यों आती है आपको पता है, स्ट्रेट लाइन हो आप लेंथ मेजर कर लेंगे, कर्व लाइन की लेंथ मेजर में नहीं कर सकते, ठीक है, कर सकते हैं लेकिन एप्रोक्स आती हो एग्जैक्ट नहीं कर सकते। अब ऐसे तो है नहीं कि धागा है उसको तोड़ के लेंथ मेजर करी फिर सर्कल बना दी, हर जगह धागा थोड़ी ना, अगली बात समझ, बैंगल होती है उसकी लेंथ मेजर करना, कभी आप स्केल से कितनी आती है एग्जैक्ट, धागे से भी स्केल से करो, कहीं ना कहीं तो एप्रोक्स आएगी या एग्जैक्ट निकालोगे, कौन कौन बच्चा एग्जैक्ट करके निकाल लेगा, बैंगल की सर्कमफेरेंस निकालनी हो। अच्छा साइंटिस्ट तो इधर भरे पड़े हैं, तभी मैं अब हो गया आविष्कार, खूब सारे आविष्कार होने नहीं से, देखो अब आगे बढ़ते हैं, जो हो गया ये तो, अब किसी बच्चे को डाउट है नहीं है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आपका इसका लास्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल और रियल नंबर, सारे करवा देता हूँ, इसमें तीन चार दे रखे हैं, हम पांच दस जो भी बनेगी सारे कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा अगला टॉपिक, आप कह सकते हो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ठीक है, आज इसको फिनिश कर दो, समझो ध्यान से, एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, किसी की पावर लगाते उसके एक्सपेंड करते, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंड करना किसी पावर लगा, पावर लगा के एक्सपेंड करते हैं वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। बेटा इसमें होता क्या है ये देखो, सबसे पहले जैसे मान लो a इज टू पावर b, मैंने कुछ लिखा आंसर आ गया c, कोई नंबर है a, ध्यान से देखना बेटा, कोई नंबर है a आपके पास, उसकी पावर लगी है b, उसको जब आपने कैलकुलेट किया तो रिजल्ट आ गया c, आगे बात इतनी ठीक है। अब इसमें इनको बोलते क्या है, तो बेटा जो a होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं बेस, ए को क्या बोलते हैं बेस, जो मतलब जिसकी पावर लगाते हैं, तो नीचे वाला टर्म होता है आपका बेस, बी होता है आपके पास पावर ऑफ बेस, यही आएगा। फिर नेक्स्ट जो सी है, जो सी वाला टर्म है वो है आपके पास में वैल्यू ऑफ ए इज टू पावर बी, मतलब ए की पावर बी जो है उसको कैलकुलेट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो रिजल्ट क्या होगा सी होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 2 इज टू पावर 5, इट मींस 32, इस केस में बेस क्या आएगा बेटा, बेस आपका कितना है इसमें 2, पावर कितनी है बेटा 5, और अगर आपसे पूछा जाए वैल्यू ऑफ 2 इज टू पावर 5 दिस इज इक्वल्स टू 32, आगे बात समझ में, ये क्या है रेडियस फाइंड कर दी, कहां रेडियस पे घूम रहे हो बेटा, अभी तसल्ली नहीं थी रेडियस की, जो रेडियस वाला निकाला है 2πr, अगर आपको और भी कंफ्यूजन है उसमें पाई वाले फॉर्मेट में, तो मैं आपको सर्कल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, उसमें सर्कल का जो एरिया होता है वो और सर्कमफेरेंस होती है वो
को इन दोनों को डिटेल से पढ़ा दूंगा। डिटेल से पढ़ाने का मतलब ये दोनों फॉर्मूले ही बता दूंगा डिराइव करके कैसे आए, ठीक है। लेकिन ये चीज याद रखना, भूलना मत, इसमें भी पाई का यूज हुआ है। और पाई क्यों लिया है हमने बताए देता हूं, आप मानते ही आप रेडियस की बात करते हो, सर्कमफेरेंस निकालते हैं। पाई क्या होता है? सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, देन पाई इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस टू पाई आर। ये तो लिखना, तो निकालनी होती है 2 पाई आर कैसे आर, सी अपॉन 2 आर डायमीटर होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई से सर्कमफेरेंस आती है। आगे बात इतनी समझ लो, पाई जी कॉस टू क्या होता है, रेशियो होता है, सी बाई डी का रेशियो होता है। तो सी की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो पाई के रेस्पेक्ट में ही निकालते हैं, वो कितनी आती है हमें केवल एग्जैक्ट लेंथ पता है रेडियस की, ठीक है। मान लीजिए रेडियस की लेंथ पता है, स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन ये 2r है, पाई से मल्टीप्लाई हुआ, इसके बेस पे ही हम बोलते हैं इसको 2πr। कभी भी सर्कमफेरेंस भी एग्जैक्ट नहीं होता है। आगे बात समझ में, हाँ अनुस्वामी पढ़ लिए सारे चैप्टर, शाबाश बेटा। बताएंगे फॉर्मूला मैं पूरा एक बार डिराइव करके बताऊंगा आपको। ये वाला इतना सा नहीं है, काफी बड़ा सिलेबस से थोड़ा हटके है, लेकिन फिर भी बता दूंगा एक बार। आपको तसल्ली होनी चाहिए, बाकी सबको मतलब तो नहीं है ना इस फॉर्मूले से, आधों को मतलब भी मेरे हिसाब से, बस जो चल रहा है वो चलने दो, आ जाएगा सब। देखो ये बात समझ में आई एक्सपोनेंट वाली। इसके बाद बेटा क्या करेंगे हम, इसमें फॉर्मूले हैं कुछ एक्सपोनेंशियल को सोल्व करने के लिए। जैसे आपके पास में a की पावर m लिखा हो और a की पावर n लिखा हो, बेसिक से फॉर्मूले हैं, बहुत आसान। मतलब इसके अंदर बेटे क्या होता है, बेस अगर सेम दो नंबर हो पावर में जिनको मल्टीप्लाई दिया हुआ हो बीच में, मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट का मतलब पॉइंट नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों नंबर का बेस सेम हो, और बेस सेम हो तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, जो रिजल्ट आएगा वो पावर ऐड करने से आएगा। जल्दी जल्दी देखो इसमें फटाफट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2, इसका रिजल्ट कितना आएगा, 2 इज टू पावर 7। आई बात समझ में। दूसरा एग्जाम्पल 3 की पावर 9 की पावर 3, इसका रिजल्ट कितना आएगा, जल्दी से बताओ। नहीं अब नहीं, ये क्या हो रहा है, खुशबू पारी बता बेटा क्या आएगा रिजल्ट। नहीं अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आसान तो मैंने कर दिया ना, और टफ आपको दे दिया। अनु स्वामी रिजल्ट नहीं आया था, दिव्या कुमारी आपका रिजल्ट आ गया, वेरी गुड। 3 की पावर 2, शाबाश बेटा शाबाश, वेरी गुड। दिव्या कुमारी सिंह ये बच्चा कौन है, 27 की पावर बताने वाला कौन है, मेरे को मजबूरी नहीं आया बच्चे और कुछ। खुशबू पारी बेटा रिप्लाई नहीं किया, प्रियंका यादव, अंजु यादव, नेहा, तान्या, प्रियांशी, अनु, आशु यादव, आशु यादव बताया, सबसे अच्छा बच्चा है, बता बेटा क्या मोबाइल में घुसेगा क्या, थोड़ा दूर होके बैठ, मोबाइल में घुस रहा है, हाँ ऐसे बैठ दूर होके थोड़ा, और अब बता क्या रिजल्ट आएगा इसका। मोहित यादव क्या बता दिया, क्या बताना, कौन है मोहित यादव,
बेटा कौन है, क्या बता रहे हो, क्या बताना था? लिया 27 की बार बार ठीक है जो बता रहे हो। देखो दोनों ऑप्शन आपके पास, ये 3 की पावर 9 है, आप इसको ये भी लिख सकते हो, दोनों का बेस सेम करके ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। जो ये प्रॉपर्टी लगानी है वो सेम बेस पे लगाएंगे, मैंने और कोई प्रॉपर्टी तो नहीं बताई आपको। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, यही तो होता है 9, 3 की पावर 2। इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 6, 8 में 3 की पावर 15, यही तो आएगा। आगे बात समझ में, 3 की पावर 15। 27 की पावर 12 वाला बच्चा कौन है, कहा है बेटा, मेरे को भी समझाओ। 27 बनाना है, चलो बना लेते हैं। कहाँ गए हो, 27 की पावर 12 बताने वाले गए। चलो आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा मेथड करते हैं इसका। ये समझ में आया आपके सब बच्चों का, आ गया? ये नहीं आया नीचे वाला पार्ट। देखो 3 की पावर 9 है, ऐसे कैसे लिखा है इसको छड़ा ही नहीं मैंने। 9 की पावर 3 है, मैंने इसका क्या किया, इसमें मैंने पावर को नहीं छेड़ा, पावर को तो पावर ही रहने दिया, पावर को नहीं छेड़ा, लेकिन पावर के अंदर 9 है ना, 9 को तो मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 को तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और आगे जो प्रॉपर्टी होती है, पावर ही पावर होती है, मल्टीप्लाई होती है आपस में, पावर ही पावर मल्टीप्लाई होती है। सुन लो मेरी बात, जो बच्चे कंफ्यूज हैं, यहाँ 3 की पावर 2 लिखा है 9 को, उसके बाद उसकी पावर लगी है 3 बाहर, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 3 × 2 = 6 हो गया। अब देखो ये आपका क्वेश्चन बन गया, इसी पैटर्न पे सेम बेस पावर ऐड करेंगे, 15 आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जिस बच्चे का गलत हो गया आगे सही हो जाएगी, स्टार्टिंग तो क्या है पावर वाले हो जाएंगे। क्या इस साइड के आपने नोट कर ली, क्या ये सारे नोट कर लिए, वेरी गुड। देखो आगे पावर वाला भी कर लेते हैं फिर, हम अभी यूज तो किया है आपने, सेकंड प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी एज टू पावर, हाँ चलो देख, सब कुछ क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप ये एग्जांपल समझ में आया बेटा आपको, ये एग्जांपल जो लिखे हैं मैंने, इन एग्जांपल्स में ये प्रॉपर्टी लगाई है कि अगर पावर की पावर दी हुई हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों पावर को, तो रिजल्ट क्या आता है हमारा, ऐसे ऐसे यही आता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूं, आप बताओ तो, लिखो अगला क्वेश्चन इसी का एग्जाम्पल लिखूंगा, ऐसा ही कुछ लिखूंगा, मतलब आशु यादव ऐसे बोल रहा है, इसको पता नहीं तीसरी बार पढ़ रहा हूँ, चौथी बार पढ़ रहा है, क्लास कौन सी बार पढ़ रहा है, पिछले 2 साल से प्रमोट होके आ रहा हूँ, बताया ऐसे रहा जैसे हम लिखते हैं सारी क्लास। चलो लिख देता हूँ क्वेश्चन तो बेटा, देखते हैं वैसे बताया, ऑप्शन को लिखूंगा मैं, ए बी सी डी, तो ऐसे बता देगा आप ए बी सी डी, कॉपी में बता रहा है, कॉपी में कर रहे हैं। टू की पावर 3 फिर उसकी पावर 2 सही है, आगे आंसर। अरे ये 7 वाला कौन है, मेरे तो ये समझ में नहीं आया कौन है बच्चा, दिव्य कुमारी 2 की पावर 6, दिव्या राठौर 2 की पावर 6, रिया 6, वंशिका
सिक्स टू दी पावर सिक्स, सब लिखते जाओ, तुम लिखते जाओ लिखते जाओ, मैं सबके आंसर देख लिए मैंने। आशु यादव, ये आशु यादव आंसर क्लियर नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा सा लिख देना। अरे बच्चे लिख दे, हार्ट टूट रहे तेरे, कॉपी में कैसे किया तुम। इतने होनहार और मल्टी टैलेंटेड बच्चे को लिख भी नहीं सकते। चलो मोहित चौधरी आपने लिखा है, शाबाश, इतनी अच्छी राइटिंग है बेटा आपकी, मेरे को पता नहीं था, कॉम्पिटिशन में भेजेंगे आपको। चलो देखो इसको मैं रखा देता हूँ इधर वाले, ये कोई काम का नहीं, लिख दिया आपने ले। देखो बेटा अब बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे ना, बेटा मेरा मतलब ये नहीं था कि आपसे इसका गलत आंसर पूछ के आपको डिस्टर्ब करना, बल्कि मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूं इसके अंदर से, ध्यान से समझना सारे बच्चे, ठीक है। हाँ बेटा मोहित यादव दिख गया तो क्या लिख रहा है पता ही नहीं चलता। देखो ध्यान से देखना बेटा, यहां अगर ऐसा लिखा हुआ हो बेटा, इसमें और इसमें कोई अंतर दिख रहा है दोनों क्वेश्चन में? दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है? अनु स्वामी बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, छोटी छोटी चीजें नजर नहीं आती आपको। हाँ बेटा बताओ क्या सभी बच्चों को दिख रहा है, क्या इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोनों में कुछ डिफरेंस है? क्वेश्चन में तो लिखा हुआ दिख रहा होगा, अरे पेन चलाया होगा तो इसमें तो केवल टू लिखा, थ्री लिखा, टू लिखा, उसने कुछ एक्स्ट्रा चलाया पेन को? एक्स्ट्रा चलाया ना, वो जो एक्स्ट्रा चलाया है वो इम्पोर्टेंट है, जो पेन आपने एक्स्ट्रा चलाया है वो इम्पोर्टेंट है, किसके लिए चलाया है? ब्रैकेट के लिए, बस उसी से पूरा खेल बिगड़ जाएगा। ब्रैकेट है तो मतलब कुछ और है, और ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब कुछ और है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। तो बेटा अगर ब्रैकेट होता है तो इसके लिए तो हमने ये पढ़ाई है, ब्रैकेट होता है उसका रिजल्ट तो हमने पढ़ाया है कि ब्रैकेट हो तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो उसका रिजल्ट तो यही आएगा जो आपने जवाब दिया है। लेकिन आपने जवाब किसका दिया है? ब्रैकेट वाले का, ठीक है। आपने जवाब किसका दिया है? ब्रैकेट वाले। हम बात कर रहे हैं बिना ब्रैकेट की, तो बिना ब्रैकेट के क्या फर्क पड़ता है? तो बेटा जब बिना ब्रैकेट की करोगे तो बिना ब्रैकेट वाले में सबसे पहले आप ऊपर से सोल्व करते हुए आओगे, कहां से? ऊपर से। ऊपर से कैसे? इधर से चलेंगे आप, ऊपर से दो नंबर उठाओ पावर वाले, उनको सोल्व करो, फिर दो नंबर उठाओ उनको सोल्व करो, ऊपर से पावर कम होती हुई आएगी। जैसे ऊपर से मैंने देखा तो ऊपर मुझे दो नंबर ये दिखे, यही दिखे, एक टू है और एक इसकी पावर है थ्री की पावर है। तो थ्री की पावर टू का मतलब कितना होता है आपको पता है? अरे बेटा थ्री की पावर टू कितना होता है? ऐसे पढ़ते हो? हाँ दिव्या कुमारी, एक बच्चे ने रिप्लाई दिया है, बस एक रिप्लाई देती है और कौन है भैया? बेटा रिप्लाई लेट करते हो तुम। टू की पावर नाइन, ये आ गया। अब देखो दोनों का जो रिजल्ट है उसमें कुछ फर्क है, दोनों के रिजल्ट में कुछ फर्क है, ऐसा क्यों? केवल और केवल एक ब्रैकेट के कारण। तो ध्यान रखना बेटा, अगर ब्रैकेट आ जाए तो उसका मतलब कुछ और होता है, ब्रैकेट ना आए तो उसका मतलब कुछ और होता है। ऐसा मत समझना कि टीचर को पता नहीं था, ब्रैकेट लगाना भूल गया, आपने ब्रैकेट लगाया और आंसर कर दिया,
ऐसा मत करना, कभी आप क्वेश्चन में करेक्शन कर दो, क्वेश्चन में करेक्शन मत करना, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ तक ठीक है आज की क्लास, अगली क्लास से मिलते हैं, इसको नोट कर लेना। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय।